ऊना में बीजेपी युवा मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने शिरकत की। इस बैठक में मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों को अहम टिप्स दिए गए। अध्यक्ष की माने तो ग्राम सभा से विधानसभा का जो नारा बीजेपी ने दिया है उसे सफल बनाना है, और हिमाचल प्रदेश में जो मिथक है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस मिथक को इस बार तोड़ना है और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार को बनाना है। इसी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा मैदान में है और इस बार बीजेपी युवा मोर्चा विधानसभा चुनावों में अहम रोल अदा करेगी। हमारे तो कार्यपत्ति में लिखा है कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना, और हम लगातार राज करने के लिए राजनीति नहीं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि समाज सेवा, सेवा ही संगठन, और राजनीति को सेवा के साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो कोविड के दौरान प्रदेश के और पूरे देश ने भी, पूरे विश्व ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आम लोगों की, गरीबों की, असहायों की, मजदूरों की, किसानों की, विधवाओं की, महिलाओं की जिस तरह से मदद की है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ तो स्पष्ट कर दी है कि हम राजनीति करने में, राज करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात मिशन रिपीट की है, तो मिशन रिपीट की बात, हम लगातार जिस तरह से आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे 4 लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत किसी ने लिया है तो कांगड़ा के लोकप्रिय हमारे जो सांसद हैं किशन कपूर जी को लगभग 74% मत पड़े हैं। उसके बाद चाहे 2 बाई इलेक्शन की धर्मशाला और पछाद की बात हो, चाहे उसके बाद पंचायत समितियों की बात हो, न जिला परिषद की बात हो, चाहे पंचायती राज की बात हो, नगर पंचायतों की, नगर परिषद की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक चुनाव को अपना एक मिशन की तरह उस चुनाव को लड़ा है और एक अभूतपूर्व सफलता हमें पंचायत के चुनावों में भी मिली है। और चुनाव सभी को लग रहा है कि 2022 में है, लेकिन उसकी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। और जिस तरह से संगठन ने और मुख्यमंत्री जी ने एक नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया है कि ग्राम सभा से विधानसभा, उस नारे को धरातल पर उतारने के लिए, और बार बार, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जो ये चल रहा है बहुत समय से, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने ये प्रण हिमाचल प्रदेश में और युवा मोर्चा ने प्रण लिया है कि इस बार इस नारे, इस जो मिथ्या है, इसको हम तोड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। अमित जी, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को कैसे घर घर पहुंचाएंगे आप? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए हमारा, आपका संगठन, हमें आपको बताने में ये बहुत हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो मॉडल है वो पूरा देश फॉलो कर रहा है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल मॉडल की धूम है, और आदरणीय पवन राणा जी के नेतृत्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बूथ तक जाकर, बूथ के ऊपर, अपना बूथ सबसे मजबूत, इस नारे को जिस तरह से हमारी टीम वहां है बूथ के अंदर, चाहे त्रिदेव की टीम है, पन्ना प्रमुख की टीम है, 1 वोट 20 यूथ है, 1 बूथ 10 बहने हैं, 1 बूथ 10 किसान हैं, 1 बूथ 10 SC भाई हैं, 1 बूथ 10 ST भाई हैं, माइनॉरिटी का ऐसा, इस तरह जो हमारा जो सिस्टम है एक बूथ के ऊपर, उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार की योजना है, चाहे प्रदेश सरकार की योजना है, उन योजनाओं को उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम अपने बूथ तक पहुँचाएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे। युवा मोर्चा की भूमिका मैं पहले ही कह चुका हूँ, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अग्रिम मोर्चा है, और युवा मोर्चा की भूमिका हमेशा ही पार्टी में बहुत अहम रही है, और जिस तरह से युवा मोर्चा ने पूर्व में भी काम किया है, आगे भी युवा मोर्चा की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और संगठन महामंत्री पवन राणा जी और सुरेश कश्यप जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा पूरी तरह से इन चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेगा, और निश्चित रूप से 4 नगर निगम और फतेहपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे नहीं लगता कोई भी गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है और एक ही रहेगी। PR TV के लिए ऊना से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।